लोकप्रिय यूपीएससी कोचिंग सेंटर इन दिनों एक वीडियो के चलते सुर्खियों का हिस्सा हो रहा है। भगवान राम और सीता पर एक कथित बेतुकी टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद शुक्रवार सुबह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर यूजर्स ने नाराजगी जताई और प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। बैन बॉलीवुड, बैन अमुक मूवी, बैन मदरसा की बात अब कोचिंग बैन तक जा पहुंची है। कारण है कोचिंग के कोच विकास दिव्य कीर्ति का दिया गया एक उदाहरण, जिसकी अधूरी क्लिप सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। वो कहते हैं ना कि ज्ञान अगर पूरा हो तो सार्थक और अधूरा हो तो घातक होता है। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ भी है। आप कितने भी दिव्य हो, कितने भी आपकी कीर्ति हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। दरअसल विकास जिस प्रसंग की बात कर रहे हैं वो एक ग्रंथ का है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कवि अपने मन की बात चरित्र से कहलवाता है और लांछन चरित्र पर लगता है, उसके बारे में भ्रांतियां पैदा होती हैं। वो ये भी कहता है कि जो बात माता सीता के विषय में इस ग्रंथ में कही गई हैं वो कवि के मन की बात है, लेकिन वीडियो का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर नहीं प्रसारित किया गया। ट्रोलिंग की शुरुआत सबसे पहले साध्वी प्राची ने शुरू की, जिसे साथ मिला भाजपा के कार्यकर्ता अरुण यादव का, और कुछ ही देर में यह अधूरा सच आज का विशेष ज्ञान हो गया और कोचिंग सेंटर को बैन करने की मांग उठने लगी। सोशल मीडिया के इस क्रांतिकारी युग में ट्विटर पर क्रांति का आलम साफ देखा जा सकता है, लेकिन सच आपके सामने है। रिपोर्ट वीडियो डेक्स डेली इनसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।